कल शाम लाइव चला यहाँ पर, एंटरटेनमेंट की दुकान बन गई थी ये बिग बॉस का घर। क्या लाइव चला है, क्या हो रहा था घर के अंदर, बताती हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीजा गंगवानी। प्रेस फॉर एंटरटेनमेंट ये टास्क था, जहां पर जो है दो दो करके कंटेस्टेंट्स को बुलाया जा रहा था। जिन दोनों कंटेस्टेंट्स में कोई भी कंटेस्टेंट बजर दबा दे, उसको करीब 1 घंटे का समय मिल रहा था, ताकि वो घर वालों के साथ साथ ऑडियंसेस को मेनली एंटरटेन कर पाए, क्योंकि वो लाइव जा रहे थे। ऐसे में यहाँ पर जो है जिनके बीच में कंपटीशन देखने को मिला, वो थे अली और विकास, जिसमें से विकास ने बजर दबा दिया था। अली यहाँ पर जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए थे जब बजर बजा, तो ऐसे में विकास का उसी समय अटेंशन था, तो उन्होंने इंस्टिंक्टिवली बजर दबा दिया था। उस राउंड की संचालक थी निकी, लेकिन निकी ये मान नहीं रही थी कि विकास को चांस मिले। वो चाहती थी कि अली को मिले ये मौका, लेकिन भाई विकास ने बजर दबाया, तो विकास को ही बिग बॉस ने दिया था मौका। इसके अलावा दूसरे राउंड में यहाँ पर हमने देखा था कि अर्शी और सोनाली में कड़ी टक्कर हुई थी। यहाँ पर जो वो थे संचालक थे, यहाँ पर उन्होंने इन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। विकास संचालक बने हुए थे, लेकिन वही संचालक के भी परे हो गया था ये मामला, जब ये दोनों महिलाएं सुन ही नहीं रही थी। इसके बाद सोनाली हीट ऑफ अ मोमेंट में उतर के चली जाती है बजर एरिया से, कि उनको बजाना ही नहीं है ये बजर, उन्हें खेलना ही नहीं है गेम। लेकिन तभी बिग बॉस जो है हॉर्न बजा देते हैं, हॉर्न कर देते हैं और अर्शी खान दबा देती हैं बजर, तो उनको मिल जाता है ये मौका। तीसरे राउंड में यहाँ पर देखने को मिलती है राहुल और रुबीना में टक्कर। ऑब्वियसली नहीं, तीसरे राउंड में एक्चुअली में देखने को मिलती है अभिनव और राखी में टक्कर, जहाँ पर जो है राहुल वैद्य बने होते हैं संचालक। यहाँ पर अभिनव विलिंगली राखी को देते हैं ये मौका, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज द एंटरटेनर ऑफ द हाउस। तो अभिनव ये बोलते हैं कि अगर उनको ये मौका नहीं मिलेगा तो बहुत अनफेयर रहेगा। इसके बाद राखी को मिल जाता मौका, तो भाई चौथे राउंड में राखी बन जाती है संचालक, और संचालक बनी राखी के सामने होते हैं राहुल और रुबीना। इन दोनों की जोड़ी आमने सामने आना कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर रुबीना बजर दबाकर जीत जाती है ये राउंड। वहीं पांचवें राउंड में जो है रुबीना बन जाती है यहाँ पर संचालक, और संचालक बनी रुबीना दिलैक के पास ये मौका रहता है कि वो देवोलीना और निकी में से किसी एक को सिलेक्ट करें, या जो भी बजर दबाए उसका अनाउंसमेंट करें। यहाँ पर निकी को विलिंगली अगेन मौका मिल जाता है, क्योंकि देवोलीना कहती है कि वो देखना चाहती है निकी बिना गाली दिए, बिना बदतमीजी किए किस तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। उसके बाद मिल जाता है निकी तंबोली को मौका। तो भाई यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे, किसको आप लोग, कौन लग रहा है आपको जो सबसे बड़ा एंटरटेनर बना होगा? आइए करते हैं इसी के बारे में चर्चा कमेंट सेक्शन में। लगातार हमारे साथ बने रहिए, और भी कई सारी खबरें हैं जो मैं आप तक पहुंचानी है।